ये सांसद इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता दर्शन जरीवाला से। आपसे टेलीफोन पर बातचीत की है कमल शर्मा ने। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार। टेलीविजन, रंगमंच और फिल्म, ये तीनों ही माध्यम जो हैं उन पर आप छाए हुए हैं, और रंगमंच की जो परंपरा है वो आपके परिवार में बहुत पुरानी है। जिस परिवार से आप आते हैं रंगमंच में उसका बड़ा योगदान है। एक तो अपने परिवार के इस योगदान के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरी माता जी लीला जरीवाला बहुत ही बड़ी दिग्गज एक्टर थी गुजराती स्टेज पे। उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद, लेकिन वो माहौल उस वक्त ऐसा था कि थिएटर में पैसा नहीं था, पैसे डालने पड़ते थे, उसमें से कोई कमाई नहीं होती थी। और उससे भी ज्यादा ये था कि सामाजिक वक्त ऐसा था वहाँ का कि औरतें थिएटर करें वो अच्छा नहीं माना जाता था। दर्शन जी, आपने पहली बार अभिनय कौन सी उम्र में किया रंगमंच पर? मुझे याद है मैं दिल्ली गया था मेरी माता जी के साथ एक नाटक के टूर के दौरान, और शायद उस वक्त वो किरदार उसमें कोई और करता था, लेकिन एक छोटे बालक का था जो फिर उन्होंने देखा कि मैं भी आया हुआ हूँ, तो मुझे बोला गया कि भाई आपको स्टेज पे बैठना है और कोई एक किरदार आएगा उसे कहना है कि उनके टीचर के बारे में कि भाई रोहिणी बहन की तबीयत आज अच्छी नहीं है, ऐसे करके निकल जाना है जी। तो वो मुझे पहली बार याद है 1964 में, मैं तकरीबन 6 साल का था तब मैंने किया था। उसके बाद में मैंने चिल्ड्रन थिएटर में काम किया 2-3 साल, और उसके बाद 1976 से मैं जिसे हम मेन स्ट्रीम गुजराती प्रोफेशनल थिएटर इंडस्ट्री कहें कहेंगे कमर्शियल इंडस्ट्री कहेंगे, उसमें मेरा पहला मैंने रोल किया। वो कौन सा था व्यावसायिक रंगमंच की अगर हम बात करें गुजराती? हाँ, तो वो सिंदूर नाम का एक नाटक था जी। बड़ी अजीबोगरीब घटना हुई थी उस नाटक के साथ। इतना बढ़िया नाटक था वो, सामाजिक नाटक था, लेकिन सिंदूर नाम से चला नहीं। अच्छा। फिर हमारे एक यंग पब्लिसिस्ट थे जी। वो भी आज बहुत ही बड़े पब्लिसिस्ट हैं गुजराती थिएटर के, मनहर गढ़िया। उनको जब ये एडवर्टाइजमेंट शुरू करने का काम उन्हें दिया करते थे हमारे प्रोड्यूसर लालू भाई शाह, तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि इसकी पब्लिसिटी हमें करने के लिए उसका नाम बदलना पड़ेगा लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो वही का वही प्ले, उसमें एक भी लफ्ज यहाँ से वहां नहीं। उसी नाटक का नाम पहले 4 शो के बाद, हैरत वाली बात है ये, सिंदूर में से उसका नाम कर दिया कोठानी कबूतरी। अच्छा। और फिर और बात ऐसी एक औरत की थी जो एक परिवार में उसे एक पत्नी का रोल करना पड़ता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं, ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो उसने कोठानी कबूतरी कर दिया, तो फिर वो सुपरहिट हो गया नाटक। उसने लोगों की मानसिकता को कुछ अलग तरह से बदला, मतलब उनको उनके अंदर एक जिज्ञासा जगा दी रंगमंच इस नाटक के लिए। हाँ, तो उसमें मैंने एक किरदार किया था 1976 में, वो वहां से शुरुआत हुई, फिर वहां से पीछे मुड़ के देखा नहीं है मैंने। तो इन सब नाटकों के साथ में आप दुनिया भर की यात्राओं पर भी गए होंगे, बाहर भी आपके नाटकों के प्रदर्शन हुए होंगे, बाहर कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही रंगमंच की समृद्ध परंपरा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी अपने अपने ढंग से रंगमंच के क्षेत्र में लोगों ने योगदान दिया है, बड़े नामी लोग हैं। तो वहाँ आपको भारतीय जब थिएटर आप लेके जाते हैं अपने ट्रूप के साथ गए, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला? वहाँ हम मैं अमरीका 3 बार जाकर आया हूँ, एक बार हिंदी नाटक और 2 बार गुजराती नाटक लेकर। बहुत ही अच्छा वहाँ रिस्पांस मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो जो बिछड़े हुए हैं अपनी मातृभूमि से जी, तो एक उनमें एक भूख रहती है, एक 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 प्यास रहती है अपने रूट्स के साथ जुड़ने की जी, जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही वार्म रिस्पांस हमें मिला है जी, जी। मैं वैसे बहुत नहीं घुमा हूँ, अमरीका गया हूँ,
दुबई मस्कत और कुवैत भी गया हूँ। दुबई मस्कत और कुवैत हम गांधी माय फादर लेकर इंग्लिश प्ले लेकर गए थे। जी जी जी। टेलीविजन में कैसे शुरुआत हुई आपकी? टेलीविजन में पहले मातृभाषा में गुजराती में ही शुरुआत हुई। 1980-81 में निमेश देसाई करके एक रंगकर्मी बहुत ही सालों से जो थिएटर भी कर रहे हैं अहमदाबाद में गुजरात में, उन्होंने मुझे एक टेलीविजन सीरियल के लिए बुलाया। और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी और मेरे हिसाब से वन ऑफ माय बेस्ट वर्क टिल डेट, ऐसा भक्त कवि नरसिंह मेहता की जीवनी पे आधारित नरसियों करके एक सीरियल बनाई गई गुजराती में, जिसमें मैंने नरसिंह मेहता का किरदार किया। तो क्या संयोग की बात है कि आपने नरसिंह मेहता की भी भूमिका निभाई और उनके भजन जिन्हें पसंद थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका भी आपने निभाई? हाँ। वो गुजराती में 81 से शुरुआत हुई और फिर रमेश सिप्पी साहब ने मुझे एक इंग्लिश प्ले में देखा 1996 में, तो उन्होंने मुझे उनकी एक हिंदी एक धारावाहिक थी उसका नाम था क्या बात है जी। तो उसमें मुझे मेन रोल के लिए बुलाया, तो वहां से हिंदी टेलीविजन भी मैंने किया। हालांकि मैंने टेलीविजन बहुत नहीं किया है जी। मैंने चंद अच्छे सीरियल्स किए, आयुष्मान जैसे कि किया, और अभी अभी एक बहुत ही छोटा किरदार मैंने केमियो अपीयरेंस एक बहने नाम की सीरियल में अभी अभी किया है। अब मैं आपकी उस फिल्म की बात करता हूँ, उस जैसे उसका तो आपने नाटक भी किया, उसके बाद में फिल्म में भी दिखाई दिए, महात्मा गांधी जैसी हस्ती विभूति के चरित्र को जीना, मैं समझता हूँ एक अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती की बात है, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो वृत्त है इतना विस्तार है उसमें, इतने रंग हैं उसमें, और उसमें एक चरित्र को उतरना, एक कलाकार को उतरना उस चरित्र में, वो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? वो बहुत ही बड़ी चुनौती थी मेरी जिंदगी की, सबसे सबसे बड़ी भूमिका मैंने की है, और मैं सर्वथा डबल लकी मैं अपने आप को तब मानूंगा जब मुझे उस बर का किरदार फिर से एक बार करने को मिले। क्या बात है। हाँ, तो क्योंकि ये भूमिका, ये क्या है, हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में गांधी जी का निवास है जी। हम उन्हें सिर्फ भारत का भारत स्वतंत्रता दिलाने वाला आदमी या हमारे रिजर्व बैंक के नोट पे छपने वाला चेहरा उस तरीके से बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटे ढंग से नहीं देख सकते, वो एक युग पुरुष थे। आपने जैसे इसमें एक पिता का रूप निभाया, गांधी एक विचारक भी हैं, गांधी एक नेता के रूप में हैं, गांधी एक जननेता के रूप में भी हैं, और एक एक ऐसे व्यक्ति जिसने जीवन भर प्रयोग किया और एक बहुत महान लेखक भी रहे, और तो उनके तो इतने सारे रूप हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आपका सपना पूरा हो, आपने जैसा कहा है, बड़ा खुशी भी है, और खुशी इस बात की भी है कि उसमें आपकी जो भूमिका है और उसको सराहना मिली, उसको प्रतिसाद मिला, और उसके लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, कैसा लगा था? बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये एहसास भी हुआ कि जिसे रियल ऑनर कहते हैं वो पाने के लिए कौन सी सतह पे जाकर कितनी कड़ी मेहनत पड़ती है, ये कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता, तो एक मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा ये आपसे शेयर करना कि क्या होता है, अभिनेता जो होते हैं कोई भी कभी कभी धीरे धीरे थोड़े आलसी हो जाते हैं, यूं मानने लगते हैं कि जो कुछ भी करने जैसा है वो सब कुछ उन्होंने कर दिया है, या तो जो कुछ भी समझने जैसा है सीखने जैसा है वो सारा उनको आता है, तो ये एक मनस्थिति जो है वो एक अच्छे एक्टर के लिए बहुत ही प्राण घातक हो सकती है। तो जब मुझे ये चुनौती मिली तब जाकर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ जाना होगा। मैं मेरे डायरेक्टर जो मेरे बहुत ही अच्छे अजीज दोस्त भी हैं, वो फिरोज अब्बास खान साहब ने मुझे सबसे पहली बात ये कही थी कि दर्शन तुम बहुत आलसी हो तुम ये मान के चल रहे हो कि तुम्हें सब कुछ आता है, अब ये करो तो तुम्हें
पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। आपको बुरा नहीं लगा था उनकी बात का? नहीं नहीं, मुझे मुझे जब उन्होंने कहा पहले तो मुझे बताया नहीं था कि ये क्यों मुझ पर बरस पड़ रहे हैं। हाँ जी। तो वैसे दोस्त हैं, उनको कुछ भी मुझे कहने का अधिकार है। जी जी। तो जब उन्होंने मुझे बुलाकर ये कहा कि पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात की है कि तुम काम तुम मेहनत नहीं करते, अब तुम अपने ही छोटे से एक दायरे में बने रहना चाहते हो, तुम आसमान को छूना नहीं चाहते। तो मुझे लगा ये फिरोज क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं, और थोड़ा बुरा लगा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 साल से इसे फिल्म में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जानते हो, कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें आकर मुझे ये कहना चाहिए कि फिरोज मैं ये करना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू टेक अ शॉट एट इट। तो मैंने कहा फिरोज मुझे ये लगा कि अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा बस यही ये जो सूक्ष्म अहम है तुम्हारे में उसे निकालना पड़ेगा। आपने भी उसी परंपरा का पालन किया जिसका अमूमन क्या कलाकार के उनको लगता है कि भाई दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप है और उनको बुरा ना लग जाए, तो आपने भी उसका लिहाज रखा और उस मर्यादा का पालन किया। लेकिन उसकी मैं फिरोज को दाद दूंगा कि उन्होंने उसके पीछे लेकिन जो एक बात जो छुपी हुई थी वो ये थी कि हाँ मैं था थोड़ा, मैं थोड़ा नहीं, मैं बहुत ही अहंकारी था, मैं मानता था कि मैं बहुत ही अच्छा अभिनेता हूँ, लेकिन अपने आप को क्या सोने को सोना कहने के लिए तो आग में से गुजरना पड़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने अनिल कपूर साहब ने जो मुझे दी उसके यानी दीज टू आर द पीपल जिसके बारे में मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने ये जो दो काम ये दो लोगों ने जो कहा वो तो यानी सर आंखों पर, मैं सारी जिंदगी उनका शुक्रगुजार रहूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे मौका दिया एक ऐसा किरदार करने का जिसमें मुझे इतनी करनी पड़ी। जी अच्छा दर्शन जी ये बताइए, इतने सारे लोगों के साथ में काम किया, फिल्म में, टेलीविजन में और रंगमंच में, निर्देशन के लिए कभी मन में कुलबुलाहट होती है या आपने किया है इसके पहले? जी मैंने किया है, अभी अभी किया है। मैंने अभी अभी एक बहुत ही जिसे हम कहें स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर एक बन रहा है गुड़गांव में, जी उसमें एक जो पहला म्यूजिकल हिंदी म्यूजिकल स्टेज पे हो रहा है जी। उसका ड्रामा डायरेक्शन की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। क्या बात है, क्या तो और निर्देशन मैंने गुजराती थिएटर में किया है, लेकिन अब मैं फिल्म का स्टूडेंट बन रहा हूँ तो मुझे फिल्म के निर्देशन के बारे में भी बहुत ही दिलचस्पी है, लेखन भी कर रहा हूँ। एक तो पर्सनालिटी जो आपकी जग जाहिर है, सब जानते हैं कि दर्शन जरीवाला साहब एक नामी अभिनेता है रंगमंच टेलीविजन और फिल्मों के, लेकिन इसके अलावा उनके और शौक क्या है, वो क्या करते हैं, क्या म्यूजिक में उनको दिलचस्पी है, लेखन में, पढ़ते क्या है वो, ये हम जानना चाहते हैं। वेल मैं बहुत ही वोरेशियस रीडर हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है, मैं वेस्टर्न रॉक से लेकर हिंदी गजलों तक सब कुछ बहुत ही प्रिय है, और मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। और अभी अभी जैसे कि आपके साथ बात करने से पहले मैंने फिर से एक बार मतलब पहली बार द मिरेकल वर्कर नाम का एक प्ले मैंने पढ़ना शुरू किया है। अच्छा, जो शायद अगर मेरा टाइम शेड्यूल बराबर रहे तो मैं अहमदाबाद में जाकर महसाणा जाकर वहाँ एक स्कूल है वहाँ के 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चों के पास करवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए और विविध भारती के इस कार्यक्रम के लिए आपने हमें समय दिया, हम हृदय से आपके आभारी हैं। नमस्कार। नमस्कार। रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता दर्शन जरीवाला से टेलीफोन पर की गई कमल शर्मा की बातचीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।